ब्रजमंडल में मथुरा, गोकुल, नंदगांव, वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन आदि क्षेत्र आते हैं। मथुरा जहां श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, वहीं गोकुल उनकी बाल लीला की भूमि है। श्री कृष्ण जब थोड़े बड़े हुए तो वृंदावन उनका प्रमुख लीला स्थली बन गया। उन्होंने यहाँ रास रचा और दुनिया को प्रेम का पाठ पढ़ाया। बरसाना श्री राधा की जन्मभूमि है और उनका परिवार भी वृंदावन में आकर रहने लगा था। आओ जानते हैं वृंदावन धाम के 8 चमत्कार या रहस्य को। रंग महल। वृंदावन में रंग महल है। प्रतिदिन मंदिर के अंदर स्थित रंग महल में कृष्ण राधा का पलंग लगा दिया जाता है और पूरा रंग महल सजा दिया जाता है तथा राधा जी का श्रृंगार सामान रख कर मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। जब प्रातः दरवाजे खुलते हैं तो सारे सामान अस्त व्यस्त मिलता है। मान्यता है कि रात्रि में राधा कृष्ण आकर इस सामान का उपयोग करते हैं, हालांकि शाम के बाद यह मंदिर बंद हो जाता है। और यह भी कहा जाता है कि अगर यहाँ कोई छुपकर रासलीला देखता है तो वह अगले दिन पागल हो जाता है। अपने आप बंद होता है, खुलता है मंदिर। वृंदावन में श्री कृष्ण का एक ऐसा मंदिर है जो अपने आप ही खुलता और बंद हो जाता है। वृंदावन और तुलसी का रहस्य। वृंदा तुलसी को कहा जाता है। यहाँ तुलसी के पौधे अधिक है, इसलिए इसे वृंदावन नाम दिया गया, यानी वृंदा का वन। कहते हैं यहाँ तुलसी के दो पौधे एक साथ लगे हैं। रात के समय में जब राधा और कृष्ण रास रचाते हैं तो यही तुलसी के पौधे गोपियाँ बनकर उनके साथ नाचते हैं। इन तुलसी का एक भी पत्ता यहाँ से कोई नहीं ले जाता। जिसने भी गुपचुप यह कार्य किया वो भारी आपदा का शिकार हो जाता है। मंदिर के परिसर में उगने वाले पेड़ और निधि वन में उगने वाले पेड़ भी अजीब हैं। यहाँ के पेड़ की शाखाएं नीचे की ओर बढ़ती हैं, जहाँ आमतौर पर पेड़ ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, वहीं निधि वन में मौजूद पेड़ों की ऊंचाई बेहद कम है और इनकी शाखाएं उसकी जड़ों की ओर बढ़ती हैं। यहाँ पेड़ भी आपस में गुथे हुए हैं, जो इस जगह को देखने में रहस्यमयी बनाते हैं। मंदिर में भगवान श्री कृष्ण रोज रात को खुद शयन करते हैं। उनके सोने के लिए मंदिर के पुजारी रोज पलंग लगाते हैं और जिस पर साफ सुथरी गद्दी एवं बिस्तर के ऊपर चादर बिछाते हैं। लेकिन कहते हैं कि जब मंदिर खुलता है तो उस बिस्तर की हालत देखकर सभी अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि उसे देखकर लगता है यहाँ कोई सोया था। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि प्रतिदिन माखन मिश्री का प्रसाद चढ़ाया जाता है और जो बच जाता है उसे मंदिर में रख दिया जाता है, लेकिन सुबह तक वह प्रसाद भी समाप्त हो जाता है। आखिर कौन खा जाता होगा वह प्रसाद? रात में यहाँ कोई भी नहीं रुकता। स्थानीय लोग के अनुसार ऐसा बरसों से होता आ रहा है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं और कुछ लोग इसे श्री कृष्ण का चमत्कार। घरों की खिड़कियाँ कर देते हैं बंद। यहाँ के आसपास के अधिकतर घरों में खिड़कियाँ नहीं है और जिन घरों में वे शाम की आरती के बाद खिड़कियाँ इस डर से बंद कर देते हैं कि कोई मंदिर की दिशा में देखने नहीं, अन्यथा वह अंधा हो जाएगा। कहते हैं कि आज भी समय समय पर प्रभु वृंदावन के निधिवन और मधुवन में रास भी करते हैं, वहाँ के मंदिर में भ्रमण भी करते हैं। कहते हैं कि श्री कृष्ण वृंदावन के निधिवन में रासलीला करने आते हैं। उनके साथ श्री राधा सहित उनकी अष्ट सखियाँ भी आती हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ हर रात आरती के बाद श्री कृष्ण राधा और उनकी गोपियाँ रास रचाते हैं। आसपास रहने वाले कई लोगों का कहना है कि उन्हें कई बार घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन कोई इस रासलीला को अपनी आंखों से देखने की हिम्मत नहीं रखता, और देख ले तो फिर दुनिया में कुछ और देखने समझने के लायक नहीं रहता, यानी अंधा हो जाता है। इसलिए अब निधिवन के दरवाजे शाम 7 बजे बंद कर दिए जाते हैं। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर से कई कथाएं जुड़ी हुई हैं। कहते हैं श्री हरिदास बांके बिहारी के सबसे बड़े भक्त थे, जिनकी भक्ति और चमत्कारों की कई कथाएं प्रचलित है। भगवान की भक्ति में डूबकर हरिदास जी जब भी गाने बैठते तो प्रभु में ही लीन हो जाते। इनकी भक्ति और गायन से रिझकर भगवान श्री कृष्ण इनके सामने आ जाते हैं।